भोजपुरी की ताज़ा खबरों की जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। नमस्कार, जय भोजपुरी। आज के ताज़ा खबर में बताने जा रहा हूँ भोजपुरी के सुपरस्टार चिंटू पांडे और अदाकारा अमरपाली दुबे के आने वाली आइटम सॉन्ग के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भोजपुरी के सुपरस्टार चिंटू पांडे इन दिनों मेहंदी लगा के रखना 2 फिल्म के शूटिंग में बिजी थे। आप सबको पता नहीं है तो बता देते हैं कि मेहंदी लगा के रखना 2 में खेसारी लाल नहीं बल्कि चिंटू पांडे और यश मिश्रा हैं। चिंटू पांडे अपनी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 की शूटिंग के साथ साथ अपनी नई फिल्म की भी शूटिंग शुरू कर दी, जिसका नाम है दिलवाले। हालांकि दो नाम के दिलवाले फिल्म बॉलीवुड में बने हैं, लेकिन अब भोजपुरी में भी बनने जा रहे हैं। दिलवाले फिल्म की शूटिंग काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। दिलवाले फिल्म का एक आइटम सॉन्ग जो आज शूट हुआ है, यह आइटम सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें आप सबको अमरपाली दुबे और चिंटू पांडे का डांस देखने को मिलेगा। चिंटू पांडे के साथ अमरपाली दुबे का यह आइटम सॉन्ग पहली बार फिल्माया जा रहा है। इससे पहले आप सब अमरपाली दुबे को पवन सिंह के सॉन्ग में देखे होंगे। एक सॉन्ग का नाम है रात दिया बुता के और दूसरे सॉन्ग का नाम है जवानी बखाटा। इसमें से एक सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है, जिसका नाम है रात दिया बुता के। यह सॉन्ग भोजपुरी का नंबर 1 आइटम सॉन्ग बन चुका है। इन दोनों सॉन्ग के बाद अब अमरपाली दुबे दुल्हन गंगा पार के फिल्म में एक आइटम सॉन्ग जिसमें खेसारी लाल के साथ डांस करते नजर आएंगी। खेसारी लाल के साथ जो गाना अमरपाली दुबे ने गाकर डांस किए हैं, उस गाने का नाम है मरद अभी बाचा बा। इससे पता चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि अमरपाली दुबे का आइटम सॉन्ग काफ़ी हिट हो रहा है। इस वजह से दिलवाले फिल्म के डायरेक्टर ने अमरपाली दुबे को एक आइटम सॉन्ग फिर से दे दिए, जिसमें चिंटू पांडे और अमरपाली दुबे दोनों डांस करते नजर आएंगे। अमरपाली दुबे हीरोइन के साथ साथ आइटम सॉन्ग में भी ज़बरदस्त हिट हैं। दर्शक इनके फिल्माए गए गाने को बहुत पसंद करते हैं। 2018 में अमरपाली दुबे का 2 आइटम सॉन्ग आ रहा है, एक तो दिलवाले फिल्म में और एक दुल्हन गंगा पार के फिल्म में। अब देखते हैं कि दोनों आइटम सॉन्ग में से कौन सा गाना सबसे हिट होता है। तो दोस्तों, इन दोनों गाने में से कौन सा गाना हिट हो सकता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।